दो लिस्टों में दोनों पार्टियों का जाट चेहरों पर दाव। बीजेपी में राजपूत चेहरों की उम्मीदवारी ज्यादा, 9 सीट पर दोनों पार्टियों से एक ही समुदाय के प्रत्याशी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपनी दो दो लिस्ट जारी कर चुकी हैं। बीजेपी जहां 124 उम्मीदवार के टिकट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने 76 उम्मीदवार को टिकट दे दिए हैं। दोनों पार्टी के अब तक जारी हुए टिकट में सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर नजर आती है। दोनों पार्टियों ने अपनी सूची में लगभग हर बड़े समुदाय को टिकट देकर साधने की कोशिश की है। हालांकि अपने अपने झुकाव के अनुसार टिकटों के बंटवारे हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए किस जाति को अब तक दोनों पार्टियों की सूची में कितनी जगह मिली है, साथ ही ऐसी कौन सी सीट है जहां जातिगत आधार को दरकिनार कर टिकट बांटे गए हैं। दोनों पार्टियों की लिस्ट में जाट समुदाय को ज्यादा तवज्जो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लिस्ट में जाट समुदाय को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। राजस्थान में जातिगत बहुलता और प्रभाव को देखते हुए जाट समुदाय से अब तक बीजेपी 21 तो कांग्रेस 15 टिकट जारी कर चुकी है। अब तक बीजेपी ने लगभग 17% और कांग्रेस ने 20% से ज्यादा टिकट जाट समुदाय के नेताओं को दिए हैं। आने वाले सूचियों में भी जाट समुदाय हावी रह सकता है। हर चुनाव में लगभग 35 के करीब विधायक जाट समुदाय से ही चुनकर आते हैं। ब्राह्मण वैश्य उम्मीदवारों पर बीजेपी का बड़ा दाव। अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में टिकट दिए हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय से अब तक लगभग 20 टिकट जारी किए हैं, यानी अब तक जारी हुए उम्मीदवारों की सूची में 16% से ज्यादा टिकट बीजेपी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को दिए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पार्टी ने ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को अब तक 11 टिकट दिए हैं, यानी लगभग 15% टिकट कांग्रेस ने भी इस समुदाय को जारी किए हैं। दो लिस्ट में बीजेपी में 10%, कांग्रेस में 5% राजपूत चेहरे। वहीं राजपूत समाज की बात की जाए तो बीजेपी ने अच्छी संख्या में टिकट जारी किए हैं। अब तक बीजेपी ने लगभग 10% टिकट राजपूत समुदाय को दिए हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अब तक लगभग 5% टिकट राजपूत समुदाय से दिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस के लगभग 125 टिकट घोषित होना बाकी है। ऐसे में आने वाली सूचियों में ये नाम बढ़ सकते हैं। बीजेपी से मुस्लिम, कांग्रेस से कोई सिंधी चेहरा नहीं, गुजर लगभग बराबर। अब तक जारी हुए लिस्ट में कांग्रेस ने जहां 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को अपना चेहरा बना दिया है, वहीं बीजेपी की लिस्ट में अब तक कोई मुस्लिम नाम नजर नहीं आए हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अब तक 2 सिंधी उम्मीदवारों को टिकट दिए जा चुके हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से अब तक किसी सिंधी उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है। दोनों पार्टियों में अब तक लगभग बराबर मात्र से गुजर उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। बीजेपी से 5 और कांग्रेस से अब तक 4 गुजर उम्मीदवार को टिकट मिले हैं। 6 सीटों पर दोनों पार्टियों से जाट और 3 पर ब्राह्मण चेहरे। अब तक 43 सीट ऐसी है जहां पर चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने यहां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में इन सीटों पर जातिगत समीकरण भी अब बनने लगे हैं। दलित और आदिवासी सीटों को छोड़ दिया जाए तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं 3 सीट ऐसी है जहां ब्राह्मण उम्मीदवार दोनों पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। सांगानेर, बीकानेर, वेस्ट और केकड़ी सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। यहाँ ब्राह्मण सबसे बड़ा और प्रभावी वोट बैंक है। वहीं मालवीय नगर में जहाँ बीजेपी ने वैश्य समाज के चेहरे कालीचरण सराफ को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने ब्राह्मण चेहरे अर्चना शर्मा पर दांव लगाया है। मालवीय नगर में ब्राह्मण और वैश्य वोटर सबसे ज्यादा प्रभावी है। नाथद्वारा में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी जोशी हैं। बीजेपी ने मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है। महाराणा प्रताप से जुड़े इमोशन को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ की इस अहम सीट से बीजेपी ने राजपूत चेहरे को उतारा है। लक्ष्मणगढ़ मंडाव बायोटी झुंझुनावा और डींग कुम्हेर में जाट समुदाय का प्रभाव दिखता है। यही वजह है कि यहाँ दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जाट हैं। हालांकि डींग कुम्हेर पर जाट के साथ साथ गुर्जर और जाट और वोट बैंक भी प्रभावी है। मुंडावर में जाट और यादव बड़े प्रभावी वोट बैंक है। यही वजह है कि यहाँ से बीजेपी ने जाट तो कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। नागौर की पर बस सीट पर जाट और राजपूत वोट बैंक अहम है। यहाँ से जाट विधायक रामनिवास गावड़िया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी ने राजपूत चेहरे मान सिंह किंसरिया पर दांव लगाया है। इस तरह नोखा में जाट और विश्नोई चेहरों के बीच लड़ाई है।
मांडलगढ़ में बीजेपी ने ब्राह्मण और कांग्रेस ने धाकड़ चेहरे को उतारा है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित नजदीकी क्षेत्रों में धाकड़ समुदाय प्रभावी है। यही कारण है कि यहाँ से कांग्रेस ने धाकड़ चेहरे को टिकट दिया है। नवलगढ़ में जाट, ब्राह्मण, माली और राजपूत वोटर प्रभावी हैं। कांग्रेस से ब्राह्मण चेहरा राजकुमार शर्मा है, वहीं बीजेपी ने राजपूत चेहरे को मौका दिया है। फतेहपुर में जाट और मुस्लिम दो बड़े वोट बैंक हैं। यही वजह है कि बीजेपी का जाट और कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा मैदान में है। नीम का थाना सीट पर राजपूत, वैश्य और गुजर बड़े वोट बैंक है। हालांकि यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार सुरेश मोदी को बनाए जाने के पीछे उनके परिवार का प्रभावी है।